हेलो दोस्तों, ये अपना थ्योरी का फोर्थ लेक्चर है। जिन्होंने शुरुआत से नहीं देखा वो फर्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करें, फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसी के बाद फोर्थ देखें। आप कंटिन्यू देखें तभी आपको पूरा अच्छे से समझ में आएगा। आज का अपना टॉपिक रहेगा मल्टीप्लाइंग फैक्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हिंदी में बोलते हैं गुणांक, ठीक है? तो मैं इसमें बार बार गुणांक शब्द का यूज करूंगा और बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से समझना है। देखा गुणांक, मल्टीप्लाइंग फैक्टर MF, या फिर अपन क्या बोल देते हैं इसको, गुणांक। बिल्कुल आसान है, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या क्या चीजें होती है पूरी अपने को समझनी है, क्योंकि इसका बहुत ज्यादा यूज है। और परसेंटेज में मैं आपको थ्योरी ज्यादा इसलिए करवा रहा हूं, मेन थिंग तो है ही ज्यादा, और ये पूरी अर्थमेटिक का आपका बेस है। पूरी अर्थमेटिक में आपके ये थ्योरी काम में आएगी। ऐसा नहीं कि आप केवल परसेंटेज के लिए देख रहे हो, एक बार इसमें कर लो आप, फिर बहुत जगह इनका यूज होता है। अब देखिए ये क्या होता है, गुणांक क्या होता है, ध्यान देना। पे कोई संख्या मेरे पास x, कोई संख्या मेरे पास x, मैं यदि x को 10% बढ़ा दूं तो बताओ वो कितना हो जाएगी, बता सकते हैं आप? इजीली बता सकते हो। एक संख्या x है, x को मैंने बढ़ा दिया 10%, तो वो कितना हो जाएगी, वो हो जाएगी x का 110/100। ये पता है सभी को, लेकिन फिर भी मैं आपको बिल्कुल जीरो लेवल से बता रहा हूं कि ऐसा क्यों होता है। देखिए आप, एक रूल है कि किसी भी संख्या का प्रतिशत में कितना प्रतिशत मान होता है, 100%। कोई भी संख्या प्रतिशत में हमेशा अपना 100% होती है। मैं लिख रहा हूं, कोई भी संख्या प्रतिशत में हमेशा अपना 100% होती है, हमेशा अपना 100% होती है। अब ध्यान देना, ऊपर जो ये चीज लिखी है, हो सकता आपने रट रखा हो, अपन इसको बिल्कुल इजी वे में सोल्व करते हैं। देखो कैसे, संख्या x को बढ़ाया गया, कितना बढ़ाया गया, 10% बढ़ाया गया। आप मुझे बताओ, कोई भी संख्या प्रतिशत में हमेशा अपना कितना परसेंट होती है, 100% होती है। चाहो तो देख सकते हो, जैसे मैंने लिखा 23 का 100%, तो आप बता सकते हो 23 का 100% निकालोगे तो कितना आएगा, 100% यानी 100/100, तो 23 ही रह गया ना, तो 23 का 100% 23। आप मुझे बताए 49 का 100% कितना होगा, 49 का 100% कितना होगा, 49 ही होगा। मीन्स आप इजीली कह सकते हो किसी भी संख्या का 100% वह खुद होती है, यानी कि किसी भी संख्या का प्रतिशत में मान होता है हमेशा अपना 100%। अब ध्यान देना, ये जो x है इसको 10% बढ़ा दिया मैंने, तो x अपने आप में पहले से कितना था, 100% था ना, और 100% में मैंने कितना और जोड़ दिया, 15% और जोड़ दिया, तो टोटल कितना हो गया, 115%। तो इसको अपन जब थोड़ा सा और सोल्व करते हैं तो आप देख सकते हो यही आएगा x का, अच्छा 10% बढ़ाया ना, यहाँ पे 10% बढ़ाया, 10% बढ़ाया तो 10 से ही लेना आपको, ये लो 10। तो 100 तो पहले से थी, 100% 10% बढ़ा दिया तो कितना हो जाएगा, 110%। मीन्स आप इसे ऐसा लिख सकते हो, x का 110/100। और ये देखिए आप, यही मैंने पहले लिख भी रखा है। अब ध्यान देना आप, इसी प्रकार यदि मैं x को r% बढ़ा दू, ध्यान से समझना, x को r% बढ़ा दू तो x कितना हो जाएगा, 100 तो पहले से था, प्लस कितना हो जाएगा, r और परसेंट। x पहले से अपना 100% था, फिर r% और बढ़ा दोगे तो हो जाएगा 100+r%। 100+r% जो हो जाएगा वो प्रतिशत हटाने के लिए बटा में तो 100 आता है, ठीक है? इसे मैं यदि चाहूं तो ऐसा भी तो लिख सकता हूं ना, 100 प्लस 100 को जो r% बढ़ाया तो ये बनेगा 100, और इनको मैं अलग अलग कर देता हूं। क्यों? क्योंकि यदि आपके पास ऐसा हो a+b/c, तो आप उन्हें अलग अलग करके ऐसा लिख सकते हो, a+c + a/c + b/c। चाहो तो आप दोबारा देख लें, एलसीएम कितना आया, c, ऊपर क्या बनेगा, a+b। तो देखिए ये और ये सेम है ना, कितने भी पद हो, यहाँ पे प्लस का निशान है तो यहाँ पे क्या जाएगा, प्लस का, या माइनस का होता तो माइनस का। इस प्रकार आप अलग अलग इनको लिख सकते हो। अब ध्यान देना, ठीक इसी प्रकार जब मैं इनको अलग अलग लिखूंगा तो एक बार तो आएगा 100/100, तो 100/100 तो बन जाएगा 1, फिर इधर बचेगा r/100,
सो ये एज ए रूल हो गया, और मैंने आपको बिल्कुल 100% ये समझाया है। इसे कोई फॉर्मूला नहीं माने, आपकी अंडरस्टैंडिंग है, ये केवल आपकी अंडरस्टैंडिंग है। आप मुझे बताएं, यदि माइनस में होता, आर परसेंट कमी करता, तो मैं यहां पे क्या कर देता, माइनस कर देता। सेम वही थिंग है, यदि यहां पे 10% कमी करता तो 100 माइनस 10, तभी तो 90% बचता ना, वो माइनस होता तो मैं यहां पे माइनस कर देता। ठीक है, अब देखें यहां पे अपन रूल को समझते हैं। रूल तो अपन ने समझ लिया, अब इस पे बेस्ड बहुत सारी चीजें देखेंगे, क्योंकि अपने को गुणांक ज्ञात करना है। अब ध्यान देना, मैंने एक संख्या ले ली है 100, ध्यान से समझेंगे आप सभी, संख्या ले ली है 100, और 100 को मान लिया मेरे को बढ़ाना है 10%, 100 को मुझे मान लिया बढ़ाना है 10%, तो ये कितना हो जाएगी, आप जानते हो 100 1 + 10/100 हो जाएगी ना, 1 + 10/100। क्यों, मैं यहां पे अच्छे से समझा चुका हूं, ध्यान देना। आपने सोल्व किया तो आपको मिलेगा 100 × 1 + 10/100 यानी 0.1, 100 × 1 + 0.1 यानी कि 1.1 हो गया, ये लो 1.1। यदि मान लिया मैं संख्या बदल देता हूं, मैंने यहां पे ले लिया 120, मैंने 120 ले लिया, और 120 में भी एज इट इज वृद्धि की 10% की, तो मुझे मिलेगा 120 1 + 10/100, और यहां पे देख सकते हो 120 का कितना 1.1 एज इट इज आएगा ना। ध्यान देना आप, यहां से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकलता है। मैंने यहां पे संख्या 100 ली थी, यहां पे संख्या 120 ली, लेकिन फिर भी जो ये आ रहा है 1.1, यानी कि यहां पे 100 को मैंने किससे गुणा किया, 1.1 से, तो ये आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर का काम करता है, मींस गुणांक का काम करता है, ये MF है, गुणांक है आपका, और यहां पे गुणांक कितना है 1.1। आप देख सकते हो मैंने संख्या अलग अलग ली है, लेकिन फिर भी गुणांक आपका क्या आया, सेम आया ना, 1.1 1.1। यदि मैं यहाँ पे कोई वेरिएबल भी लेता, मान लिया मैंने x ले लिया, और x में मैं कर देता 10% की वृद्धि, तो मुझे मिलता x 1 + 10/100, और आप देख सकते हो अब भी मुझे क्या मिला है, ये जो MF है वो कितना मिला है, अभी मुझे MF मुझे अब भी मिला है केवल 1.1। मींस आप समझ सकते हो संख्या पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा गुणांक का, गुणांक आपका किससे निकलता है, गुणांक निकलता है कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी हुई, और ये बिल्कुल फिक्स होता है। यदि 10% की वृद्धि हो रही है ना, तो चाहे आपकी संख्या आप कुछ भी क्यों ना ले ले, आपको 10% वृद्धि के लिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर गुणांक 1.1 ही मिलेगा। ठीक है, तो हर प्रतिशत मान के लिए, हर प्रतिशत वृद्धि के लिए फिक्स होता है, इसी प्रकार हर प्रतिशत कमी के लिए भी ये फिक्स होता है, और यही आज का अपना टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर आपकी कमांड होनी चाहिए, आपको देखते ही पता लगना चाहिए कि भाई गुणांक कितना है, इंपॉर्टेंट थिंग है, अपन इसका बहुत जगह यूज करेंगे। अब ध्यान दें आप, मैं थोड़ा शॉर्टली भी इसे लिख सकता था कि यहां पे है एक्स और वृद्धि हो गई 10%। अब आपको पता लग गया कि 1.1 का गुणा होना है, तो आप डायरेक्टली लिख दें 1.1x, और ये अपने बहुत ही काम में आता है, अपने को डायरेक्टली इस प्रकार आपको पता होना चाहिए, और ये आपको बहुत इजीली देखते ही पता लगेगा। मैं आपको अभी इसमें बहुत सा डाटा बताऊंगा, आपको देखते ही पता लगेगा कि हाँ भाई किससे गुणा हो रहा है, मीन्स कोई भी संख्या है डायरेक्टली आप उसका जो गुणांक है वो लिखे, और वापस वही प्रारंभिक वाली संख्या लिख दे, आपका उत्तर आ जाएगा। अब ध्यान देना आप सभी, इसमें स्ट्रक्चर ऐसा रहेगा, कुछ समझने के लिए आप ये देख लें, मैं इनको जो बोलूंगा, ये जो x है जो प्रारंभ में अपन ने लिया, इनको मैं बोलूंगा इनिशियल नंबर, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, प्रारंभ में जो भी हमेशा मैं संख्या लूंगा उसको मैं क्या बोलूंगा, इनिशियल नंबर, इनिशियल नंबर, नाम से पता चल रहा है इनिशियल का अर्थ होता है प्रारंभ, और नंबर यानी संख्या, यानी कि प्रारंभिक संख्या, और ये जो पूरा मैटर है ये आपका क्या रहेगा, फाइनल नंबर, ये क्या रहेगा आपका फाइनल नंबर। तो आपके पास ये जो एमएफ है,
एमएफ जो है मल्टीप्लाइंग फैक्टर, इसका क्या यूज है, इसका यूज भी तो आपको पता होना चाहिए ना। मीन्स सिंपल सी बात है, यदि आपको कोई भी फाइनल नंबर कभी भी चाहिए, आपको कोई भी फाइनल नंबर कभी भी चाहिए, तो आप क्या करेंगे, इनिशियल नंबर को किससे गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाइंग फैक्टर से। यानी कि जो आपका गुणांक है, आपका जो एमएफ है, उसको किससे गुणा कर देंगे आप, इनिशियल नंबर से। यदि आप इनिशियल नंबर से गुणांक को गुणा कर देंगे तो आपको फाइनल नंबर मिल जाएगा। और फाइनल नंबर की आपको बहुत बार जरूरत रहती है, मैक्सिमम में उत्तर पूछता है ऐसा। तो आप देख सकते हो इनिशियल नंबर कौन था, एक्स, और इनिशियल नंबर एक्स को मैंने गुणा कर दिया एमएफ 1.1 से, गुणांक से गुणा कर दिया, तो मुझे क्या मिला, पूरा फाइनल नंबर। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो शुरुआत वाले को मैं लेता हूं, इनिशियल नंबर मींस एज ए स्ट्रक्चर अपन लिखना चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं, ये है इनिशियल नंबर, यहाँ पे जो भी प्रतिशत वृद्धि या कमी आती है, ये यहां वाला जो होता है वो आपका कहलाता है फाइनल नंबर। और फाइनल नंबर हमेशा किससे मिलकर बना होता है, फाइनल नंबर हमेशा किससे मिलकर बना होता है, फाइनल नंबर हमेशा मिलकर बना होता है मल्टीप्लाइंग फैक्टर, मल्टीप्लाइंग फैक्टर और इनिशियल नंबर के गुणनफल से, ठीक है। यानी कि इनिशियल नंबर को यदि मल्टीप्लाइंग फैक्टर से गुणा कर दें तो आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि फाइनल नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है सभी को। अब ध्यान दें आप, यदि मैं 20% वृद्धि की बजाय डाटा अलग कर दूं, 10% वृद्धि की बजाय मान लिया 20%, 30%, 50% कितना भी आ सकता है, 500% भी आ सकता है, तो भी आप उत्तर पक्का कर पाओगे। चाहे 5000% आए, 4800% आए, 1300 आए, मैं सारी चीजें आपको 100% क्लियर करूंगा और बहुत ही कम समय में अपन उत्तर निकालेंगे। तो ध्यान देना आप, सबसे पहली बात तो आपने इसमें ये सीखी है कि जो गुणांक है वो हमेशा डिपेंड करता है प्रतिशत बदलाव पर। गुणांक, ये जो गुणांक है वो हमेशा किस पर डिपेंड करता है, प्रतिशत बदलाव पर। तो मैं लिख सकता हूं एम एफ हमेशा हमेशा प्रतिशत चेंजमेंट जो होता है, प्रतिशत बदलाव, प्रतिशत चेंज में लिख दे, बदलाव प्रतिशत चेंज पे लिख दे, प्रतिशत चेंज पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। ये कभी भी आपको दी गई संख्या पे डिपेंड नहीं करेगा, संख्या आपकी 100 है या संख्या 120 है, संख्या एक्स वाई जेड 1000 2000 5000, उस पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करेगा कभी भी। ये केवल और केवल डिपेंड करता है जो प्रतिशत चेंजमेंट गिवन होता है उस पर डिपेंड करेगा। और प्रत्येक वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि या प्रत्येक प्रतिशत कमी के लिए बिल्कुल फिक्स होता है। अब ध्यान देना आप, मान लिया 10% वृद्धि की बजाय मैंने 10% कमी ले ली या 20% वृद्धि ले लिया, जो भी। तो मान लिया मैं एक बार इसको 20% वृद्धि कर देता हूं, जहां जहां 10% वृद्धि थी वहां पे मैं एक बार इसको कर देता हूं 20% वृद्धि। देखिए फिर अपने को क्या रिजल्ट मिलता है, ये लो, जहां जहां भी 10% वृद्धि थी मैंने कर दिया उसकी जगह 20% वृद्धि। फिर कमी का ऑप्शन भी देखेंगे अपन, ये लो ये मैंने कर दिया, यहां से भी कैंसिल कर दिया और ये भी। अब ध्यान दे पर, मैंने कर दिया 20% वृद्धि, तो डाटा क्या होना चाहिए, ये लो 20% वृद्धि। आप मुझे एक बात बताएं, 20% वृद्धि है तो यहाँ पे भी क्या आएगा, 20 आएगा। ये कितना बना, 20/100 क्या होगा, 0.20 होगा ना, या 0.2 मान सकते हो, 1+0.2 कितना बनेगा, 1.2। तो यहाँ पे गुणांक कौन आ गया आपका, 1.2। यानी इनिशियल नंबर को कौन सी संख्या से गुणा कर दें कि आपको फाइनल नंबर मिल जाए, वही तो गुणांक होता है। तो गुणांक यहाँ पे कितना है, 1.2, क्योंकि प्रारंभिक संख्या इनिशियल नंबर 100 को किससे गुणा करोगे, 1.2 से, तो आपको अंतिम संख्या मिल जाएगी। इसी प्रकार यहाँ पे भी मैं 20% की वृद्धि कर दू, यहां पर भी 20, यहां पर भी मैंने 20% की वृद्धि की है, तो यहाँ पे भी 20 आएगा और यहाँ पे भी 20% की वृद्धि। तो बिल्कुल फिक्स है 20% की वृद्धि, तो 1+0.2 मींस 0.2, एज इट इज जैसा, इधर भी 1+0.2, 1+0.2 कितना बनेगा, 1.2 बनेगा। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर, गुणांक जो है वो 20% वृद्धि के लिए हमेशा क्या रहेगा, 1.2 रहेगा। तो यहाँ पे भी मैं इसका उत्तर लिख सकता हूं 1.2, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कोई कंफ्यूजन इस डाटा में नहीं होना चाहिए, क्लियर है सभी को। अब देखें आप, जैसे मान लिया कमी आ गई, तो
तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कमी आई है तो भी आपका क्वेश्चन इसी प्रकार होगा, बस इतना ही फर्क पड़ता है वृद्धि में यहाँ पर प्लस है, ये देखो आप यहाँ पर वृद्धि में यहाँ पे प्लस है तो कमी आएगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो मैं एक बार आपको 10% कमी लेकर बता रहा हूं, यानी कि जहां जहां अपन ने वृद्धि ली है वहां वहां पर अपन अब लेंगे 10% कमी। तो देखते हैं फिर 10% कमी के अनुसार अपना आंसर क्या आता, फैक्टर जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है वो क्या आएगा। 10% कमी ले रहे हैं अपन, जहां जहां 20% वृद्धि थी वहां से मैंने ये लो हटा दिया, अब की बार लेंगे अपन 10% कमी, ये लो 10% कमी ले ली मैंने यहाँ पर, तो यहाँ पे भी क्या आएगा 10, लेकिन यहाँ पे अब की बार क्या हो जाएगा माइनस आएगा ना, 10% कमी ले रहे हो तो एक में से छोटी आएगी संख्या, यहाँ पे भी क्या आएगा माइनस आएगा, इधर भी क्या आएगा माइनस आएगा, माइनस माइनस। अब ध्यान देना आप सभी, 10% कमी की एक माइनस कितना आएगा 0.1, एक माइनस 0.1 यही आएगा ना, ठीक है। तो आप इसे और आगे बढ़ाकर क्या लिख सकते हो, 100 गुणा एक में से 0.1 गया तो कितना बचेगा 0.9 बचेगा ना, 0.9 बचा। अब की बार आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर कौन सा है MF, ये है गुणांक, ठीक है, ये भी है वो एक ही बात है, एक माइनस 0.1 भी क्या होगा 0.9 ही तो होगा ना। ठीक इसी प्रकार यदि मैं सभी जगह 10% कमी करता हूं तो एज इट इज रिजल्ट अपने को देखने को मिलेगा, कोई भी डिफरेंस नहीं आता, हर बार डाटा इसमें सेम रहता है। ये लो यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10, तो आप समझ सकते हो वही एक माइनस 0.09, एक माइनस पॉइंट जीरो एक ये है ना, एक माइनस 0.01, तो यहां से आपका क्या बनेगा 120 गुणा 0.9। यहां पर भी आपका क्या बनेगा एज इट इज 1 माइनस 0.1 और ये आएगा एक्स गुणा 0.9 सेम आएगा, यहां पे भी क्या आएगा 0.9 आएगा, 0.9 आएगा। अब ध्यान देना आप सभी, मींस आप इजीली कह सकते हो कि कोई भी प्रतिशत वृद्धि या कमी है उसके लिए जरूर एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है, एक गुणांक होता है, और वही गुणांक यदि अपन गुणा कर दें इनिशियल नंबर जो नंबर दिया जाता है उससे, तो आपको आपका फाइनल नंबर मिल जाएगा, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है कि फाइनल नंबर होता क्या है, फाइनल नंबर होता है MF इंटू इनिशियल नंबर, यानी गुणांक को किससे गुणा कर दें प्रारंभिक संख्या से, इनिशियल नंबर से। अब ध्यान देना आप एक बात, तो यहां से सिंपली क्लियर हो रही है, यदि आप प्रतिशत कमी कर रहे हो, प्रतिशत कमी कर रहे हो यानी किसी संख्या को आप छोटा कर रहे हो, आप मुझे बताएं किसी संख्या को आप छोटा कर रहे हो तो उसको आप जिस संख्या से गुणा करोगे वो एक से छोटी होनी चाहिए या एक से बड़ी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए एक से छोटी, क्योंकि यदि आप किसी भी संख्या को एक से छोटी संख्या से गुणा करोगे तो वह संख्या कम हो जाएगी, वह संख्या छोटी हो जाएगी। जैसे 100 को आप एक से गुणा करते, ध्यान दें आप सिंपल सी थिंग है, यदि मैं 100 को गुणा करूं एक से तो मुझे 100 ही मिलेगा, लेकिन 100 को यदि मैं 1 पॉइंट समथिंग एक से बड़ी संख्या से गुणा करता हूं तो मुझे मान मिलेगा वो 100 से बड़ा मिलेगा, और यदि मैं 100 को 0.9.8 या जो भी यानी एक से छोटी संख्या से गुणा करूंगा तो वो 100 को क्या कर देगी, वो संख्या छोटी कर देगी। इसका मतलब आप समझ सकते हो कि आपका जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है यानी कि जो गुणांक है वो यदि कमी हो रही है तब तो एक से छोटा आएगा, क्योंकि वो संख्या को छोटी तो तभी कर पाएगा ना जब गुणांक एक से कम होगा, एक से छोटी संख्या का गुणा करेंगे तभी संख्या छोटी हो सकती है, अदरवाइज नहीं। और यदि वृद्धि हो रही है, प्रतिशत वृद्धि हो रही है, तो जो आपका गुणांक है वो क्या होगा एक से बड़ा होगा, क्योंकि गुणांक एक होने पर न तो वृद्धि हो सकती न ही कमी, कुछ भी नहीं होता, संख्या सेम होती है। 100 को एक से गुणा किया 100 ही रह गया, ठीक है। एक से बड़ी से करते हो, किसी भी संख्या को एक से बड़ी संख्या से गुणा करोगे तो वो बढ़ जाएगी, और किसी भी संख्या को एक से छोटी संख्या से गुणा करोगे तो वो छोटी हो जाएगी। तो यहां से बहुत सारी चीजें बिल्कुल साफ साफ क्लियरली आपको नजर आ रही हैं, और आप इन सबको बहुत ही ध्यान से देखेंगे। अब देखिये यहाँ पे मैं आपको एक टेबल करवा रहा हूं जिसमें अपन 8-10 मान देख लेंगे,
मल्टीप्लाइंग फैक्टर के जो आप इजीली समझ सको। ये जो मैंने आपको बताया यहाँ पे समझाया है, अब 10-15 एग्जांपल लेके देखते हैं ताकि आप और आगे अच्छे से समझ सको। तो मैं एज ए टेबल टाइप बना रहा हूं एक, तो आप ध्यान से देखेंगे। तो इस टेबल में मैं सबसे पहले ले रहा हूं इनिशियल नंबर, प्रारंभिक संख्या, इनिशियल नंबर। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं इनिशियल नंबर कौन सा होता है, फाइनल नंबर कौन सा होता है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर कौन सा होता है, ये सारी चीजें जस्ट मैं पहले बता चुका हूं। चलो एक बार मैं दोबारा बता देता हूं। ये देखो, ये रही जो शुरुआत में लेते हैं यहाँ पर, वो तो होता है इनिशियल नंबर। लास्ट में जो उत्तर मिलता है यहाँ पे, वो होता है पूरा फाइनल नंबर। और ये उत्तर मिलने के लिए इनिशियल नंबर को, यानी एक्स को जिससे गुणा किया जाता है, वो क्या होता है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर, गुणांक। तो गुणांक किसे कहते हैं पूछ लिया जाए, तो क्या बताओगे आप, इनिशियल नंबर को जिस संख्या से गुणा करने पर, इनिशियल नंबर को जिस संख्या से गुणा करने पर अपने को फाइनल नंबर मिल जाता है, वही संख्या गुणांक कहलाती है। तो आप देख सकते हो इनिशियल नंबर को किससे गुणा किया, एमएफ से, तो आपको क्या मिल गया, फाइनल नंबर। तो ये आप जरूर ध्यान रखेंगे। तो मैं इनिशियल नंबर इसमें शुरुआत में रख रहा हूं। इसके बाद में प्रतिशत बदलाव या प्रतिशत चेंजमेंट, परसेंटेज चेंजमेंट अपन ले रहे हैं, ये लो प्रतिशत चेंज, परसेंटेज चेंज, ठीक है। इसके बाद में मैं एमएफ ले रहा हूं, मल्टीप्लाइंग फैक्टर, जब प्रतिशत में वृद्धि हो, यहाँ पे जो भी प्रतिशत लेंगे उसमें वृद्धि हो तो वृद्धि के लिए गुणांक क्या रहेगा, और आपका जो फाइनल नंबर है वो क्या आएगा, एमएफ गुणांक यदि कमी हो रही हो, यहां पे जो भी प्रतिशत मान लेंगे उसमें कमी होने पे एमएफ क्या बनेगा, और यहां पे फाइनल नंबर क्या आएगा इस कमी के अनुसार। बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है, ध्यान से आपको समझनी है, ठीक है। तो देखिए आप यहां पे इनिशियल नंबर में मैं ले रहा हूं x, मान लिया कोई संख्या या कोई वेरिएबल मेरे पास है x, प्रतिशत बदलाव मैंने मान लिया 10% का बदलाव कर दिया, 10% का चेंज, 10% चेंज, यहां पे जो भी कंडीशन देखेंगे वो देखेंगे प्रतिशत वृद्धि के लिए, ये देखो एरो का निशान है ना ऊपर की ओर, यहाँ पे देखेंगे प्रतिशत कमी के लिए, यानी कि आप समझे 10% चेंजमेंट लिया ना मैंने, चेंज का तो वृद्धि भी हो सकता है और कमी भी हो सकता है। तो यहाँ पे 10%, यहाँ पे 10% वृद्धि के लिए और यहाँ पे 10% कमी के लिए अपन ये डाटा चेक करेंगे। अब ध्यान देना आप, आपको मैं एक सिंपल सी बात बता रहा हूं जो कि जैसे ही आपने प्रतिशत मान देखा आप मल्टीप्लाइंग फैक्टर बता दोगे बिल्कुल इजीली, ध्यान देना आप। अब मुझे बताओ यदि इसका प्रतिशत हटाकर इसको लिखें डेसिमल फॉर्म में, यदि इसको लिखें प्रतिशत हटाकर दशमलव रूप में, यानी कि आपको इसको हमेशा किस में लिखना है, दशमलव रूप में लिख देना है, प्रतिशत चेंज को दशमलव रूप में लिख देना है डेसिमल फॉर्म में, ठीक है, दशमलव रूप में, ये लिख दिया मैंने दशमलव रूप में, डेसिमल फॉर्म में लिख देना है। 10%, 10% को लिख सकते हो 10/100, यानी कि इसमें 100 का भाग दे, तो आप मुझे बताओ 100 का भाग दोगे तो आपके पास कितना आएगा, 0.1 आएगा ना, 0.1 आएगा, यानी कि वृद्धि कितने की हुई, 0.1 की। अब यदि मैं किसी भी संख्या को 1 से गुणा करता हूं तब तक तो वो एज इट इज ही रहेगी ना, यदि मान लिया संख्या है मेरे पास x, तो यदि मैं x को 1 से गुणा कर दूं तब तो x का x ही रहेगा ना, तब तक तो कोई वृद्धि या कमी हुई नहीं, तो 1 तो हमेशा इसमें रहता ही रहता है, वो किसको डिनोट करता है गुणा करने पे, वो इनिशियल नंबर को ही डिनोट करता है, मैंने आपको पीछे एग्जांपल में भी तो दिखाया ना, देख सकते हो एक बार आप दोबारा एग्जाम्पल देखें। देखिए यहां पे मैंने क्या लिया है, यहां पे मैंने एक हर बार लिया, एक यहां पे भी लिया, यहां पे भी लिया, यहां पे भी लिया, एक हर बार होता है, यानी इनिशियल नंबर यहां पे आपके पास क्या है, 100, तो यहां पे 100 को यदि आप 1 से गुणा करोगे तो 100 का 100 ही रहा ना, कमी या वृद्धि होती नहीं, वो आगे वाली यहां से डिनोट होती है, दोबारा इससे और गुणा करोगे, इनिशियल नंबर यहां पे कितना है 120, फिर भी मैंने एक तो लिया ना, एक किसको डिनोट करता है, एक गुणा इनके गुणा को डिनोट करता है, यानी ये तो इनिशियल नंबर ही होता है, 120 गुणा एक से क्या बनता है, हमेशा इनिशियल नंबर। तो आप मुझे तो इनिशियल नंबर के लिए हमेशा फिक्स ये जो भी आपका गुणांक होगा, इस गुणांक में एक तो हमेशा क्या होगा, फिक्स होगा, वो एक तो किसको डिनोट करेगा,
इनिशियल नंबर को, क्योंकि एक से यदि आप किसी भी संख्या को गुणा करते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही इनिशियल नंबर रहेगा, नो चेंज। तो एक तो हमेशा आना है, और वृद्धि है यदि तो वो तो एक में जुड़ जाएगी, और कमी है तो वो एक से घट जाएगी। तो आप मुझे बताएं, यहाँ पे जो अपन ने डाटा लिया है इसमें अपने पास क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है ना डेसिमल में, डेसिमल में वृद्धि कितने की हो रही है, वृद्धि हो रही है 0.1 की, 10/100 को क्या कहते हैं 0.1, 0.1 की वृद्धि मीन्स येलो 0.1। फाइनल नंबर क्या होता है, फाइनल नंबर किसे कहते हैं, फाइनल नंबर हमेशा होता है एमएफ इनटू इनिशियल नंबर, चाहो तो लिख भी सकते हो कि फाइनल नंबर हमेशा होता है एमएफ गुणा इनिशियल नंबर, हमेशा यही होता है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। तो यहाँ पे मेरे पास फाइनल नंबर कितना आ जाएगा, इनिशियल नंबर तो है एक्स और एमएफ कितना आ गया 1.1, तो फाइनल नंबर आ गया 1.1x। ठीक इसी प्रकार देखें अब आप, यदि 10% कमी होती तो भाई 10% कमी होगी तो भी 10/100 के लिए डेसिमल रूप तो इसका कितना आएगा, इसका डेसिमल रूप यदि मैं अलग से लिखना चाहूं तो डेसिमल रूप तो क्या आएगा, 0.1 ही आएगा ना। तो आप मुझे बताओ कमी हो रही है तो एक तो बिल्कुल फिक्स है, एक तो बिल्कुल फिक्स है, लेकिन अब की बार एक से कम कितना हो जाएगा, ये माइनस में आएगा ना कमी होगी, तो -0.1। आप मुझे बताओ एक से माइनस का 0.1 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 0.9 बचेगा ना, या 0.9, तो ये आएगा 0.9, यानी कि 10% कमी होने पर मल्टीप्लाइंग फैक्टर रहेगा 0.9। तो फाइनल नंबर क्या हो जाएगा, फाइनल नंबर आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कई बार, आप लिख सकते हो फाइनल नंबर हमेशा होता है मल्टीप्लाइंग फैक्टर को गुणा कर दे इनिशियल नंबर से। तो इनिशियल नंबर तो मैंने क्या ले रखा है, ये देखो आप एक्स ले रखा है, एक्स को किससे गुणा कर दू, एम एफ से, 0.9 से, तो आपका उत्तर आ जाएगा 0.9x आपका उत्तर आ जाएगा 0.9x। क्लियर है, ये यहां तक आपको सभी को क्लियर हो गया होगा। अब देखें यहां पे इनिशियल नंबर मैं वापस ले रहा हूं x, और कोई दूसरा प्रतिशत मान लेते हैं, मैंने मान लिया ले लिया 20%। ध्यान देना 20% को डेसिमल फॉर्म में लिखोगे तो 20/100 यानी क्या बनता है 0.20, तो 0.20 लिखो या 0.2 लिखो एक ही बात है। अब देखो आप, एक तो बिल्कुल फिक्स है, एक तो होता ही है, एक तो होता ही है, और वृद्धि हो रही है कितने की 0.2 की, तो कितना हो जाएगा 1.2, फाइनल नंबर कितना आएगा 1.2x। अब 0.2 की यदि मैं लू यहां पे कमी, यानी 20% की कमी मीन्स कितने की, मल्टीप्लाइंग फैक्टर कौन है 0.2, तो 0.2 की कमी, एक में 0.2 की कमी आएगी तो कितना बचेगा 0.08, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.08x। जिसकी भी आपको जरूरत हो आप ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब देखें आप, ये दोबारा मैं ले रहा हूं x, ये मैं ले रहा हूं x, और यहां पे मैंने ले लिया 1%। आप मुझे एक बात बताएं, 1% को मैं क्या लिख सकता हूं, 1/100 यानी कि 0.01। अब की बार देखें आप, कंफ्यूज नहीं होना है, एक तो पहले से है ही बिल्कुल फिक्स है, और कितना बड़ा दशमलव के फॉर्म में, दशमलव के रूप में 0.01 ना, तो 1.01 हो जाएगा, और ये 1.01x। 0.01 की कमी, एक तो फिक्स है, एक में कमी होगी 0.01 की, एक में 0.01 की कमी होने पे कितना बनेगा 0.99। कंफ्यूजन है, बिल्कुल सिंपल है, तो यहां पे क्या आ जाएगा 0.99x, बिल्कुल सिंपली आप इसे कह सकते हो। इसके बाद देखें आप, ये मैं इनिशियल वैल्यू तो x ही ले रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया ये 23%। आप मुझे बताओ 23% डेसिमल फॉर्म में क्या होगा, 23/100 यानी कि 0.23। ठीक है, ये 0.23 है, एक तो बिल्कुल फिक्स है, पहले से होता है, ये मैं आपको बार बार नहीं बताऊंगा, पहले मैंने बता दिया, देखो ऊपर वाले में बता दिया सेम ही है, 0.23 बढ़ेगा तो 0.23, ये लो 1.23x। यहाँ पे 0.23 कम हो जाएगा ना, 0.23 कम हो जाएगा तो कितना बचेगा 0.77, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.77x। बिल्कुल आसान है, आप आसानी से समझ सकते हो। इसके बाद देखें यहाँ पे इनिशियल नंबर तो मैं x ही ले रहा हूं, इनिशियल नंबर तो मैं x ही ले रहा हूं, और ध्यान से समझना, अब की बार मैंने ले लिया 100%। यदि 100% ले लिया तो 100/100 डेसिमल फॉर्म
या फ्रैक्शन में लिखे हैं तो इसे डेसिमल फॉर्म में क्या आएगा, 100 बटा 100 क्या होता है, एक होता है ना, एक होता है। यहाँ पे फिक्स है, एक तो पहले से है, एक तो पहले से है, वो तो इनिशियल नंबर को डिनोट करता है, एक गुना एक्स से जो एक्स बनता है, एक तो है। लेकिन वृद्धि अब की बार कितने की होगी डेसिमल फॉर्म में, एक की, तो एक और एक कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा। यहाँ पे क्या बनेगा, 2x। यहां पे इंपॉर्टेंट थिंग है, ध्यान से समझना, एक तो पहले से होता है, फिक्स होता है जो इनिशियल नंबर को डिनोट करता है, और कमी भी कितने की हो गई, एक की। तो आप मुझे बताओ, एक से एक चला गया तो कितना बचेगा, 0। ये इंपॉर्टेंट थिंग है, ध्यान रखनी है। अब ध्यान देना, फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया इनिशियल नंबर, तो चलो मैंने एक्स ही लिया है, यहां पे मैंने ले लिया मान लिया 120%। ध्यान से समझेंगे आप, 120% को आप यदि डेसिमल फॉर्म में बदलते हो यानी 120 बटा 100, तो क्या आएगा, 1.2। ध्यान देना, 1.2। यहां पे भी एक तो पहले से था, एक में वृद्धि कितने की हो गई, 1.2 की, तो 1 + 1.2 कितना बनेगा, 2.2, और यहां पे हो जाएगा 2.2x। यहां पे ध्यान से देखेंगे आप, एक तो पहले से होता है, एक तो पहले से है ही, और कमी कितने की कर दी है, 1.2 की, तो आएगा -1.2, यही आएगा ना। तो आप मुझे बता सकते हो, एक में से 1.2 को आप यदि घटाते हो तो क्या बचेगा, माइनस का 0.2 बचेगा, माइनस का 0.2 या माइनस का 0.2, ठीक है। और आप इससे यहां पे क्या लिख सकते हो, माइनस का 0.2x। चलो इससे अपन वैसे भी समझते हैं लॉजिकली, यदि कोई भी संख्या होती है उसका प्रतिशत में अपना कितना प्रतिशत मान होता है, 100% होता है, और आप यदि उसको 100% ही कम कर दो यानी कि पूरी संख्या यों की यों उसमें से घटा दो, जैसे 20 है, 20 का 100% कितना होगा, 20 ही होगा ना, और उसमें से मैं ये बोलता हूं कि 20 में से पूरा 100% घटा दो उसका, तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो देख सकते हो 100% है, 100% में से पूरा 100% यदि आप कम कर दोगे तो क्या बचेगा, 0। लेकिन मान लिया 20 है, मैं बोल रहा हूं उसको 100% बढ़ा दो, 20 का 100% तो क्या था, खुद 20 था, और उसको 100% ही और बढ़ा दिया यानी डबल कर दिया ना, 40 कर दिया। तो आप समझ सकते हो, देखो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आ रहा है, डबल। ठीक उसी प्रकार नीचे देखो आप, यहां पे 120% वृद्धि, चलो 120% वृद्धि में तो ये हो गया 2.2, आपको मैंने बता दिया, कर लोगे आप। कमी पे डिस्कशन करते हैं, माइनस निशान आने पर आप कई बार कंफ्यूज हो जाते हो, तो ध्यान देना, 120% कम कर दिया किसी संख्या को, मान लिया कोई संख्या 20 ही है, यदि मैं उसको 100% भी कम कर दूं तो मैं संख्या 20 को 100% कम कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, क्योंकि पूरा 100% कम कर दिया तो 0 ही मिला ना। लेकिन मैं 100% से भी ज्यादा, 20 का 120% 20 से भी ज्यादा होगा ना, यदि मैं उसको 20 में से घटाऊंगा, भाई 20 का 120% 20 से बड़ा होगा, और मैं यदि उसको 20 से घटाऊंगा तो संख्या तो माइनस में जाएगी ना, इस वजह से यहाँ पे 100% कम होने पर तो डाटा 0 बचता है, और 100% से भी बड़ा प्रतिशत मान यदि आप उस संख्या में से कम करोगे तो रिजल्ट आपका नेगेटिव चला जाएगा। एक तो ये डाटा हो गया, ये डाटा आपको डायरेक्टली ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे और ये बहुत जगह आपके काम में भी आएगा, ठीक है। अपन आज की पूरी क्लास किस पे डिस्कशन कर रहे हैं, मल्टीप्लाइंग फैक्टर पे। इसके बाद देखें यहाँ पे, इसी डाटा को दूसरे तरीके से भी डिनोट किया जाता है, वो देखो कैसे, जैसे यहीं पे मैं इसके नीचे बता रहा हूं, ये टेबल कोई रटनी नहीं है आपको, ऐसा नहीं कि याद करना है, मैंने केवल समझाने के लिए बताया, कोई भी प्रतिशत मान हो, कितना भी बड़ी वृद्धि कर रहे हो, कितनी भी ज्यादा वृद्धि कर रहे हो, कितनी भी कम वृद्धि कर रहे हो, आप केवल देखने मात्र से उसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर तो बता सकते हो, 100% देखते आप मल्टीप्लाइंग फैक्टर बता पाओगे, जो मैंने यहाँ पे बताया है इसको आपको फोकस करना है। अब ध्यान देना आप, एक दूसरे तरीके से भी इन चीजों पे अपन फोकस करते हैं, ठीक है। मैं करता हूं जैसे गुना, ध्यान देना आप सभी, गुना, गुना मीन्स इंग्लिश में बोले तो टाइम्स, जैसे बोलते हैं ना अपन 4 गुना 5 गुना 10 गुना 4 times 10 times 15 times 100 times 2 times, ठीक है, इस प्रकार। ये तो गुना ले लिया मैंने, और यहीं पे मैं दोबारा इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, या एज इट इज गुना ऐसा भी लिख सकता हूं, ठीक है।
लेकिन यहाँ पे मैं किसके रूप में लिख रहा हूं, डेसिमल दशमलव के रूप में, ठीक है। बात एक ही है, कैसे देखें अभी अभी मैं आपको 100% समझाऊंगा। और यहां पे अपन लेते हैं प्रतिशत बदलाव, प्रतिशत चेंज, जो भी वृद्धि या कमी जो भी हो रही है। अब ध्यान देना आप सभी, मैं यदि किसी डाटा के लिए आपको बोलता हूं कि मैंने ही ले लिया है 4 गुना, ध्यान से समझना, बहुत ही आसान चीज है, आप इजीली समझ सकते हो। मैंने बोल दिया 4 गुना लेना है, 4 गुना को आपको क्या करना है, ये क्या ले रहे हैं अपन, मल्टीप्लाइंग फैक्टर ले रहे हैं, 4 गुना। मैं किसी भी संख्या को 4 से गुणा करने पे आपका उत्तर आ जाएगा, 4 गुना अपन क्या ले रहे हैं, मल्टीप्लाइंग फैक्टर। आप ऐसा भी लिख सकते हो कि ये जो है वो किसको डिनोट कर रहा है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर को, और ये भी किसको डिनोट कर रहा है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर को, ठीक है। अब ये लिखने के 2 तरीके हैं, यहां पे भी देखो मैंने गुना ही लिखा मल्टीप्लाइंग फैक्टर, यहां पे भी गुना ही लिखा मल्टीप्लाइंग फैक्टर। अब ध्यान देना, 4 गुना को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं क्या, 1+3। ध्यान से समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल आपको मैं बता रहा हूं, आपने फॉरवर्ड चीजों को सीख लिया है, अब बैकवर्ड उल्टा करके भी आपको वो सीखना है। तो देखें आप, 4 गुना को मैं ऐसा लिख सकता हूं बिल्कुल, 1+3 गुना। अब मैंने आपको सब हर बार बताया कि ये जो 1 है वो किसको डिनोट करता है, वो संख्या को डिनोट करता है, इनिशियल नंबर को। ये जो 1 यहां पर है हर बार वो किसको डिनोट करता है, इनिशियल नंबर को। इसमें भी 1 है, 2 को भी क्या लिखा था मैंने, 1+1, तो शुरुआत वाला 1 इनिशियल नंबर को डिनोट करता है। इसमें भी 1 है, इसे लिखा था 1+1.2 लिखा था ना, ऐसा आपको यदि कंफ्यूजन है तो आप ऐसा करके लिख सकते हो, 1+1.2 ऐसा ही था, ठीक है। एक बार मैं चलो लिख देता हूं कि ये किससे बना था, ये बना था 1+1.2 से, और ये किससे बना है, ये बना है 1+1 से। अब ध्यान देना आप, यहीं से एक बात आप अपन समझते, ये अपन ने फॉरवर्ड देखा था तो बिल्कुल इजीली अपन समझ गए थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी अपने को। अब ध्यान देना, मैं आपको बैकवर्ड बता रहा हूं, 1, इस 1 का कोई यूज नहीं है, ये इनिशियल नंबर को डिनोट करता है, इसको आप साइड बाई कर दो, बिल्कुल अलग कर दें, इसका यूज नहीं करना है। आगे ये जो 1 लिखा है यहां पर, ये जो 1 लिखा है, इस 1 को आप प्रतिशत में कन्वर्ट करें, इस 1 को आप प्रतिशत में कन्वर्ट करें तो आप मुझे बताओ, 1 को यदि आप प्रतिशत में कन्वर्ट करते हो तो 100 से गुणा करना होगा, तो कितना बनेगा, 100%, ये रहा 100%, वो ये है, ठीक है। यहां वाला ये जो 1 है वो 100% जो बड़ा था वो ये रहा, यहां वाला जो 1.2 है, 1.2 आप समझ सकते हो, ये 1 ये मान लो, चाहे तो आप ये मान लो, बात तो एक ही है, इसको प्रतिशत में बदला आपने, 1.2 एक्स्ट्रा है, ये 1 तो इनिशियल नंबर को डिनोट कर रहा है और 1.2 यहां पर क्या है आपके पास, एक्स्ट्रा है। तो यदि मैं 1.2 को वापस प्रतिशत में बदलना चाहूं, मुझे पता लगाना हो कि यदि मल्टीप्लाइंग फैक्टर 2.2 हो तो कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है, ये आपको पता लगाना हो तो 2.2 में से 1 को तो हटाओ, वो इनिशियल नंबर को डिनोट करता है, कितना एक्स्ट्रा और बचा, 1.2 और बचा, तो 1.2 को प्रतिशत में बदल दो। तो आप मुझे बताएं, 1.2 को यदि आप प्रतिशत में बदलोगे तो आप कितना कह सकते हो, 100 से गुणा कर दो, तो 1.2 को 100 से गुणा करोगे तो क्या बनेगा, 120 बनेगा। तो आप सिंपली बता सकते हो कि ये 120% की वृद्धि हुई है, किसको देखकर, मल्टीप्लाइंग फैक्टर को देखकर। तो कहीं पर भी आप मल्टीप्लाइंग फैक्टर यदि आपको पता हो तो आप बता सकते हो कितने प्रतिशत की वृद्धि या कितने प्रतिशत की कमी हुई है, या फिर इसका उल्टा भी सत्य है, कितने भी प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी दी हो तो आप उसको देखकर मल्टीप्लाइंग फैक्टर बता सकते हो। अब ध्यान देना, यहां पर ये 1 तो है एक्स्ट्रा, ठीक है, यहां पे ये जो 3 है इससे निकलेगा मल्टीप्लाइंग फैक्टर, ठीक है, ये डेसिमल फॉर्म में लिखा हुआ है, 3 किस में लिखा हुआ है, डेसिमल फॉर्म में, दशमलव के रूप में। तो ये 1 तो इनिशियल नंबर के लिए है, इस दशमलव के रूप को आप किस में बदलोगे, प्रतिशत मान में। तो आप मुझे बताओ, 3 को आप यदि प्रतिशत में बदलोगे तो कितना निकलेगा, 300%। तो आप कह सकते हो यदि 300% की वृद्धि हुई, ये देखो आप वृद्धि को डिनोट कर रहा है ना, यदि 300% की वृद्धि हुई तो आपका जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है वो कितने गुना आएगा,
चार गुना। क्लियर हो गया होगा सभी को। ठीक इसी प्रकार यदि मैं यहां पर लिख दूं सात गुना, ध्यान से समझना, ये यदि मैं ले लेता हूं सात गुना, तो आप मुझे बताएं यहां पे क्या आएगा, एक प्लस छह, एक तो डिनोट करता है इनिशियल नंबर को, फिर डेसिमल फॉर्म आपकी कौन है छह, छह को आप वापस बदलो प्रतिशत में तो कितना हो जाएगा 600, तो प्लस में है ना, छह को प्रतिशत में बदलोगे तो 100 का गुणा करना है, 600% की वृद्धि होगी, तो आपका डाटा कितने गुना हो जाएगा सात गुना। ठीक है चलो उल्टा करते हैं अपन, जैसे मान लिया मैंने आपको ये बता दिया, कभी उल्टा कभी सुलटा कैसे भी कर सकते हो, मान लिया मैं ये बोल रहा हूं कि 1300% की वृद्धि की, ध्यान से समझना, अब की बार मैं आपका उल्टा ले रहा हूं डाटा, कभी उल्टा सीधा, इस प्रकार आपको अलग अलग डाटा लेकर चेक करना है ताकि दिमाग पे थोड़ा जोर पड़े आपके। मान लिया मैंने ले लिया 1300% की वृद्धि, ध्यान देंगे आप सभी, यदि 1300% की मैंने वृद्धि कर दी है और आपको पता लगाना हो कि बताओ कितने गुना हुआ, मुझे तो डायरेक्टली दिखाई दे रहा है डाटा कि डाटा आपका कितने गुना हो गया, बताओ देखें यदि 1300 है तो कितने गुना होना चाहिए डाटा, 14 गुना होना चाहिए ना, कैसे ध्यान दो आप। आप मुझे एक बात बताओ, यहां पे एक तो आएगा बिल्कुल फिक्स है, एक तो आएगा बिल्कुल फिक्स है, यहां पे जो भी डाटा है उस डाटा को आपने 100 से गुणा करके यहां पे लिखा है, यही तो हुआ ना, यहाँ पे जो भी डेसिमल फॉर्म या जो भी आपका डाटा आएगा उससे 100 से गुणा करके तो यहाँ पे जाता ना, तो 100 से गुणा करके जाता है यहां पर, 100 से गुणा करके जाता है यहां पर, तो आप उसमें 100 का भाग देकर वापस लिख दो यहां पर, तो आप मुझे बताओ 1300 में 100 का भाग दोगे तो कितना आएगा, 13 आएगा ना, सॉरी 1300 में 100 का भाग दोगे तो 13 ही तो आएगा, तो ये टोटल कितने गुना हो गया डाटा आपका, 14 गुना। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, एक बार और लेते हैं, जैसे मैं कोई बड़ा डाटा लेता हूं, देखें आप कर पाते हो क्या, मैंने ले लिया है यहाँ पे, एक मिनट कलर चेंज कर रहा हूं, मिक्स हो जाएगा, हाँ ये मैंने जैसे मान लिया ले लिया है 21,200, एक बड़ी संख्या ले लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ही नहीं हो, 21,200 प्रतिशत की वृद्धि कर दी, बड़े से बड़ा काफी बड़ा डाटा लिया मैंने, 21,200% की वृद्धि की है, तो बताओ डाटा को कितने गुना किया गया था। देखो सिंपली सीधा मेरे को पता चला 213 गुना किया गया था, कैसे आप मुझे बताओ, एक तो फिक्स है, एक तो फिक्स है रहेगा ना, और यहां पे जो भी संख्या होती है उसको इधर गुणा 100 से गुणा करके इधर लिखा जाता है, उतना प्रतिशत वृद्धि होती है, ठीक है, तो यहां पे 100 पे गुणा करके लिखा जाता है, तो यदि आप इससे प्रतिशत मान से इसमें आओगे तो क्या करना होगा, 100 का भाग देना होगा, या ये फिर प्रतिशत मान आपको हटाना होगा, तो आप मुझे बताओ प्रतिशत हटाओगे तो क्या करते हो, 100 का भाग ही देते हो ना, तो कितना बचा यहाँ पे 212, ये लिख दिया मैंने 212, तो आप मुझे बताओ 212 और एक कितना हो गया, 213 गुना, ठीक है 213 गुना। इजीली आप समझ पा रहे होंगे, और नहीं समझ पा रहे तो एक बार इसको दोबारा वीडियो को आप देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉजिक मैंने आपको बताया है। जैसे मान लिया कोई डाटा हो गया आपका डेढ़ गुना या ढाई गुना साढ़े तीन गुना जितना, मान लिया एक बार साढ़े तीन ले लेते 3.5 गुना, ध्यान देना, मान लिया मैंने डाटा ले लिया 3.5 गुना, आप मुझे एक बात बताइए 3.5 गुना ले लिया तो एक तो फिक्स है, फिर कितने गुना और बचा, ढाई गुना बचा ना, अब ढाई गुना आपको पता है यहां से यहां जितने भी गुना है, ये डेसिमल फॉर्म है, इसको लिखना होता है प्रतिशत में कन्वर्ट करके, साफ साफ देखो ऊपर लिखा प्रतिशत में कन्वर्ट करके लिखना है, तो आप बिल्कुल इजीली लिख सकते हो कि ढाई को 2.5 को प्रतिशत में लिखोगे तो कितने से गुणा होगा, 100 से, तो आप मुझे बताओ 2.5 100 से गुणा होगा तो कितना बनेगा, 250 बनेगा, 250 प्रतिशत वृद्धि, 250 प्रतिशत वृद्धि। तो इस प्रकार आप बहुत ही आसानी से मल्टीप्लाइंग फैक्टर और उससे जुड़ी हुई चीजों को इजीली कर सकते हो। यदि आपको कोई भी मल्टीप्लाइंग फैक्टर पता लग जाता है तो आप प्रतिशत बदलाव बता सकते हो, तो आप प्रतिशत बदलाव बता सकते हो, और यदि आपको कोई भी
प्रतिशत बदलाव पता लग जाए तो आप उसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर बता सकते हो। तो जो आपका चैप्टर है वो मोस्टली है मल्टीप्लाइंग फैक्टर टू, मल्टीप्लाइंग फैक्टर टू परसेंटेज चेंज, मल्टीप्लाइंग फैक्टर टू परसेंटेज, परसेंटेज चेंज, ठीक है। यानी कि परसेंटेज चेंज जो है उससे मल्टीप्लाइंग फैक्टर पता लगा सकते हो, और फैक्टर से क्या पता लगा सकते हो, प्रतिशत बदलाव। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है, आपको ये अच्छे से समझना है। अब अपन ने जितनी भी ये वृद्धि देखी है, प्रतिशत बदलाव जो देखा है, अपन ने मैक्सिमम जगह वृद्धि, मैक्सिमम जगह क्या देख लो आप, सब जगह अपन ने क्या किया है, वृद्धि 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 देखा है। तो अब कुछ जगह अपन कमी भी देख लेते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। तो मैं कुछ डाटा एज इट इज ऐसा ही कमी में भी आपको लेके बताता हूं। तो देखिए आप यहाँ पे तो एज इट इज वही गुना लिया है मैंने, ठीक है, और गुना आपके पास ये क्या कहलाएगा, ये कहलाता मल्टीप्लाइंग फैक्टर, ठीक है। इसके बाद में ये भी मैंने गुना ही लिया है एज इट इज, और ये भी क्या कहलाता है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर ही कहलाता है, सेम एक ही बात है, बस रूप दो लिखे मैंने अलग अलग। यहां पे मैंने इसको डेसिमल फॉर्म में लिख दिया है, दशमलव रूप में, ठीक है, यहां पे मैंने दशमलव में लिख दिया है, बाकी की दोनों मल्टीप्लाइंग फैक्टर ही हैं। और यहां पे मैंने लिया है प्रतिशत बदलाव, प्रतिशत बदलाव, ठीक है। इधर की साइड मैंने जो भी प्रतिशत बदलाव लिए हैं प्लस में लिए हैं, अब की बार इधर की साइड कुछ एक माइनस में प्रतिशत बदलाव लेके मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लिया मैं बोल देता हूं कि 0.7 गुना है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना है 0.7 गुना, ध्यान देना यहां पे फिक्स है, एक तो आना ही आना है क्योंकि एक डिनोट करता है इनिशियल नंबर को, एक आना है, लेकिन मुझे तो 0.7 ही करना है, तो आप मुझे तो 0.7 ही चाहिए टोटली यहां पे, तो एक में से कुछ घटेगा या जुड़ेगा। यहां पे देखो आप चार गुना, तो चार था तो वो एक में क्या करना होगा, तीन को जोड़ना होगा, 0.7 है तो एक में क्या करना होगा, एक में 0.3 को घटाना होगा, या आपको खुद को अपना दिमाग लगाना है। अब ध्यान देना आगे तो आप समझ ही सकते हो, इस एक के लिए कुछ नहीं किया जाता, यहाँ पे जो डेसिमल फॉर्म है उसको प्रतिशत में बदल दिया जाता है, और प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 का गुणा, तो 0.3 को यदि मैं 100 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा, 30%, और यहाँ पे एक में से कम किया या ज्यादा, कम किया, इसलिए क्या आएगा, माइनस। ये इंपॉर्टेंट है, माइनस का निशान लगाना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, इसके बाद में जैसे मान लिया मैंने ले लिया 0.23 गुना, ध्यान से समझना, 0.23 गुना, तो पता है 0.23 गुना, ये एक में कुछ जोड़ने पर 0.23 मिलेगा या एक में से कुछ घटाने पर, तो पता है ये एक में से कुछ घटाने पर मिलेगा, तो बताओ मैं 0.23 को यहाँ पे कैसे लिख सकता हूं, एक माइनस कितना 77, कितना 0.77, ठीक है, एक माइनस 0.77। और यहाँ पे तो आपको पता है जो भी डेसिमल फॉर्म होती है उसको आपको बदलना होता है किसमें, प्रतिशत में, तो 100 से गुणा कर दो, 100 से गुणा कर दोगे तो कितने आएंगे, 0.77 को 100 से गुणा करने पे 77%, माइनस है ना, माइनस के लिए माइनस का निशान, ठीक है। ये मैं पहले भी बता चुका हूं कि इधर से इधर आने के लिए आपको क्या करना होता है, 100 का गुणा, यहाँ पे भी देख सकते हो 3 को 300 पे गए थे तो आपको क्या करना पड़ा था, 100 का गुणा करना पड़ा था ना। अब देखिए यहाँ पे इसके बाद में मैं उल्टा लेता हूं, अपोजिट साइड लेता हूं, आप बताएंगे देखिए क्या करना है। मैंने ले लिया, बता दिया, मान लिया आपको कि 20% कमी करनी है, आपको पता यहाँ पे एक आना ही आना है और कमी है तो एक से छोटा होगा मल्टीप्लाइंग फैक्टर। मैं बहुत बार बता चुका हूं कि कमी होने पर हमेशा एक से छोटा मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है, और प्रतिशत वृद्धि होने पर मल्टीप्लाइंग फैक्टर हमेशा एक से बड़ा होता है, ठीक है, ये आप इजीली समझ सकते हो, मैंने पहले भी आपको बहुत अच्छे से बताया है। अब 20% कमी, आपको पता यहां से 100 का गुणा करने पर ये बनता है, ठीक है, यहां पे प्रतिशत में है, तो इसको डेसिमल फॉर्म में बताओ देखिए क्या बनेगा, 20% प्रतिशत हटाओगे तो डेसिमल फॉर्म में क्या बनेगा, 20/100 यानी कि 0.2, तो यहां पे आएगा 0.2,
ठीक है, बस आपको तो इतना सा देखना है कि डेसिमल फॉर्म को परसेंट में बदलना है तो 100 का गुणा, और वापस प्रतिशत का निशान हटाना है तो 100 का भाग, इधर से इधर आओ तो 100 का भाग दे दो। अब देखो आप, ये एक्चुअल में मैं एरो ऐसे लगा देता हूं यदि कोई कंफ्यूजन है तो, मेरे को इधर से ये जाना था इधर, और इधर से इधर जाना तो प्रतिशत का निशान हटाऊंगा, प्रतिशत का निशान हटाऊंगा तो क्या आएगा 20/100 यानी कि 0.2, तो इधर मैं 0.2 लिख दूंगा। इधर से इधर जाऊंगा तो प्रतिशत में बदलना है तो 100 का गुणा कर दूंगा। मेरा कहने का अर्थ, इस एक को अपन यूज नहीं करेंगे, एक एज इट इज रहेगा। अब एक में से 0.2 कम हो गए तो आप मुझे बता सकते हो कितने बचेंगे, 0.8 गुना। इस प्रकार आपका नेगेटिव में चेंजमेंट हो चाहे पॉजिटिव में चेंजमेंट हो, जो प्रतिशत चेंजमेंट है, प्रतिशत बदलाव है, वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, आप इजीली ये जो आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर है मींस गुणांक है, वो आप आसानी से बता सकते हो एमएफ के बारे में। ठीक है, देखो अभी तक मैंने आपको जो भी बताया है, आज की पूरी क्लास अब तक ओनली डिपेंड थी मल्टीप्लाइंग फैक्टर पे डिपेंड, और यानी कि गुणांक पे डिपेंड। मैंने आपको जहां पर भी गुणांक बताया है, मैंने आपको बताया डेसिमल फॉर्म में, ठीक है, डेसिमल फॉर्म में बताया, देख सकते हो यहाँ पे 1.1, 1.2, 1.0, 1.23 है, 2 है, 2.2 है, 0.9, 0.8, जहां पे भी है मैंने आपको बताया है डेसिमल फॉर्म में। ठीक है, अब मैं आपको परसेंटेज ही बताऊं, ये अब भी मैं आपको मल्टीप्लाइंग फैक्टर ही बताऊंगा, इसका एक लेवल आपका खत्म हो गया। जो एक टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, जो लॉजिक जो बनता है मल्टीप्लाइंग फैक्टर पे, वो आपका फिनिश हो गया है। अब मैं इसका दूसरा जो प्रकार है वो स्टार्ट करने जा रहा हूं, और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना इम्पोर्टेंट ये है उतना ही इसका दूसरा पार्ट भी इम्पोर्टेंट है, मींस इससे कम इम्पोर्टेंट नहीं, इससे ज्यादा ही हो सकता है। ठीक है, तो वो भी आपको बहुत ही ध्यान से समझना है। चलो उसके लिए देखें, आप अगला पेज खोल लेता हूं मैं, देखिए आपको क्या करना है, ध्यान से समझते जाना। आप एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, मान लिया मेरे पास एग्जाम्पल वन है, इसमें मैं आपको 5-7 एग्जाम्पल देके बताऊंगा, जिससे आपको बिल्कुल 100% क्लियरिटी आए कि हाँ भाई इसमें दूसरे टाइप से अपन मल्टीप्लाइंग फैक्टर का यूज कैसे कर सकते हैं। अब जैसे कोई संख्या मेरे पास है एक, ध्यान से समझना, कोई संख्या मेरे पास है एक, और एक में मैं बोल रहा हूं मैंने वृद्धि कर दी 20% की, और आपसे पूछा जाए कि बताओ वह संख्या क्या बनेगी। तो एक तो मैंने आपको डेसिमल फॉर्म बता दी कि भाई 20% जो डेसिमल फॉर्म में आपको मैंने बता दिया मल्टीप्लाइंग फैक्टर, तो एक तो आप उस तरीके से कर सकते हो जो कि पीछे चला गया है। चलो मैं एक बार दोबारा उसी से आपको बता देता हूं, उसके बाद में मैं नेक्स्ट टाइम यहीं पे स्टार्ट करूंगा। आप मुझे बताओ 20% वृद्धि है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या बनेगा, 1.2 बनेगा ना, बनेगा 1.2। ये लो उत्तर आ गया आपका। ठीक है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर यहाँ पे क्या बनना है, 1.2 बनना है, ये आपका आ गया उत्तर। ये आपके पास यहां पर क्या है, ये है मल्टीप्लाइंग फैक्टर। और आप मुझे बताओ 20% वृद्धि का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1.2 कैसे बना, आप बता सकते हो ना भाई, पिछले एक घंटे से मैं यही बता रहा हूं 20% वृद्धि से 1.2 कैसे बनेगा। एक तो बिल्कुल फिक्स होता है, और 20% को यदि आप डेसिमल में बदलोगे तो 20/100 यानी कि 0.2, चलो 1.2 आ जाएगा। ठीक है, तो आसानी से आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, अब ध्यान देना, आप मैं आपको एक और तरीका बताना चाह रहा हूं, और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एक है 20% की वृद्धि है, अब ध्यान से समझना, आप 20% की वृद्धि है, 20% को मैं यदि प्रतिशत से हटाता हूं, प्रतिशत मान से हटाता हूं, तो 20% को अपन क्या बोलते हैं, 1/5 बोलते हैं ना, 20% को प्लस निशान यो का यू, 20% की जगह मैंने क्या लिख दिया, 1/5। अब ध्यान देना आप, 1/5 का आपके पास अर्थ क्या होता है, ये मैं आपको बिल्कुल परसेंटेज की पहली क्लास में बता चुका हूं। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया था और मैंने आपको उसमें ये बताया था कि भाई ये जो 7/10 जो होता है उसको शब्दों में क्या बोला जाता है, 10 में 7 या 10 में से 7, ये आपको बताया था,
ध्यान देना चाहिए पूरी अर्थमेटिक में मैं इसका यूज करूंगा। अब ध्यान देना पे 20% को मैं फ्रैक्शन में बोल सकता हूं 1/5, और 1/5 को मैं शब्दों में क्या बोलता हूं, 5 में से 1 या 5 में 1। ठीक है, ये मैं बार बार बोलूंगा पूरी अर्थमेटिक में। आपको परसेंटेज की शुरुआत में मैंने बता दिया था 5 में 1, और ये क्या है प्लस यानी कि वृद्धि। आप मुझे बताओ 5 में 1 की वृद्धि हो जाएगी तो डाटा कितना बन जाएगा, 5 में 1 की वृद्धि होना यानी कितना हो गया 6। क्लियर है, तो 5 में 1 की वृद्धि होना बन जाएगा 6। या तो आप शब्दों में समझ सकते हो या फिर जो आपका उत्तर आता है वो क्या आता है, एक तो ये है ही, देखो आप सब तरीके से समझो, एक तो ये है ही एज इट इज, और वृद्धि कितने की हो गई है 1/5 की, 1/5 की हो गई है वृद्धि। तो 1 + 1/5 क्या होता है, 5 × 5 = 6/5, तो उत्तर आपका आ जाएगा 6/5। ठीक है, 6/5 को यदि मैं सोल्व करता हूं तो क्या आता है 1.2। अब आप ये बोलोगे कि भाई यही एग्जाम्पल आपने एक सेकंड भी नहीं लगाया, ऊपर पहले ही बता दिया था कि उत्तर आएगा 1.2, तो इतना करने की जरूरत ही क्या थी, डायरेक्टली कर सकते थे। अब ध्यान देना आप, इसको भी मैंने और भी बिल्कुल बेसिक से बताया है कि एक तो ये है ही, वृद्धि हो गई 1/5 की, तो 1 + 1/5 क्या बना 6/5। ये जो 6/5 है उसमें जो आपने ये यूज किया 1 + 1/5, इसका यूज तो करना ही नहीं है, डायरेक्ट ही कर लिया करो। कैसे कर लिया करो, 5 में 1 की वृद्धि, तो तुलना तो 5 से हो रही है, तुलना 5 से हो रही है तो वो तो फिक्स रह ही जाएगा, 5 में वृद्धि हो गई 1 की, तो वृद्धि 1 की हो गई तो ऊपर कितना आ जाएगा 6 बन चुका है, 6 आ जाएगा। ठीक है, ये डायरेक्ट करो, 5 में 1 की वृद्धि, तो 5 एज इट इज रहेगा, वृद्धि होके बन गया कितना 6। ठीक है, आप ऐसे भी समझ सकते हो, 1 था पहले, 1/5 जुड़ जाएगा तो 1 से 1/5 यानी कि 6/5 हो जाएगा। अब देखो आप ये देखने में बहुत आसान लग रहा है और एक्चुअल में बिल्कुल आसान है भी, और इसमें अपने को कम से कम ये तो सोचना पड़ा 5 में 1 की वृद्धि हो गई यानी कि 6 हो गया, पहले था 5 तो 6/5 आप ऐसे कह सकते हो। ध्यान दें आप, यदि आप को मैं ये प्रतिशत मान थोड़ा सा बदल के दे दूं तो आपको खुद को महसूस हो जाएगा कि दोनों आपको आने चाहिए, ऊपर वाला कभी आसान होता है, कभी ये नीचे वाला तरीका आसान होता है, कभी कभी ये तरीका थोड़ा सा टिपिकल होता है और ये वहां पे बहुत आसानी से लग जाता है देखते उत्तर, तो आपको आने दोनों ही प्रोसेस चाहिए। अब ध्यान दें आप, मैंने ये कहा यहाँ पे सिंपली जो शॉर्टली बताया है उसको समझने की कोशिश करें, वो बहुत जरूरी है। मैंने आपको एक बात बताई थी 10 में से 7, तो तुलना किससे हुई है, तुलना हुई है यहाँ पे 10 से, तुलना किससे हुई है 10 से हुई है। ठीक है, और हो कौन जाएगा या पूछा किसके लिए है, 7 के लिए, तो मैं यहाँ पे बोलूं 5 में 1 की वृद्धि, आप मुझे बता दो तुलना किससे हुई है, 5 में 1 की वृद्धि, तो तुलना तो 5 से हो रही है, और जिससे तुलना वो तो हमेशा कहाँ आता है नीचे, तो जिससे तुलना होगी वो तो हमेशा एज इट इज नीचे आएगा, 1 की वृद्धि हो चुकी है तो वो डाटा कहाँ पे आएगा 6 ऊपर आएगा। ठीक है, ये डायरेक्टली इसी प्रकार आपको याद रखना है, और यहाँ पे क्या हुआ है कंपैरिजन, और जिससे कंपैरिजन हो जाए वो हमेशा नीचे ही आता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा आपको, और यदि आप इसको और एक और दूसरे तरीके से देखना चाहो तो आप इसे ऐसा भी कर सकते हो कि भाई ये तो है 1, ठीक है, और वृद्धि कर दी है मैंने 20% की, तो आप जानते हो 1 तो एज इट इज है, 20% की वृद्धि करना यानी डाटा को आपने कर दिया 120%, 120/100, तो आप देख सकते हो वही कटेगा 6/5 और 1.2। अब ये कोई क्वेश्चन नहीं है जो मैं आपको करवा रहा, ये आसान सा लॉजिक है और सब इसको कर सकते हो, सब इसको कर सकते हो और सभी तरीकों से कर सकते हो। ठीक है, ये करने का तरीका फर्स्ट मान सकते हैं, अथवा ये तरीका करने का आप सेकंड मान सकते हैं, अथवा ये करने का तरीका आप थर्ड मान सकते हैं। यदि आपने ये तरीके अब सीख लिए तो न तो मुझे आगे प्रतिशत सिखाने में जोर आएगा और न आपको सीखने में जोर आएगा, मजा आएगा बहुत ही सीखने में भी। फिर तो देखो आप,
यदि मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल बदलता हूं तो आपको क्या कठिनाई होगी, ध्यान देना। एग्जाम्पल नंबर टू, दूसरा एग्जाम्पल मैंने ये लिया है कि संख्या है एक, ध्यान से समझना, संख्या है एक, मैंने वृद्धि कर दी है 14 से ही 2/7% की, या कमी कर दी है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वृद्धि बोलो चाहे कमी बोलो, मैंने चलो मान लिया कमी कर दी 14 से ही 2/7% की, तो अब यहां पर क्या आएगा, ध्यान देना। आप मैंने आपको बताया था कि आप देख सकते हो मल्टीप्लाइंग फैक्टर के अनुसार यदि आप निकालते हो, मल्टीप्लाइंग फैक्टर यहां पे किसमें है, डेसिमल में, ठीक है, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर के रूप में आप निकालते हो यहां पे डेसिमल के अंदर, तो आपको प्रॉब्लम आएगी इस क्वेश्चन में, ऊपर वाले में नहीं, यहां पे देख सकते हो इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालो आप, यदि आप डेसिमल में इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालते हो तो प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम आएगी, कैलकुलेटिव होगा। तो आप एक काम करें, ध्यान दे, आप मुझे बताओ इसको प्रतिशत में तो कन्वर्ट कर सकते हो ना, इसको प्रतिशत में कन्वर्ट कर सकते हो, कितना आएगा 1/7, ये फ्रैक्शन होती है, डायरेक्टली फ्रैक्शन होती है, माइनस का 1/7, ठीक है, ध्यान देना। आप लिख सकते हो एक है पहले, कमी कितने की आ गई 1/7 की, तो इसे लिख दे 7 × 7 − 1 6/7, लेकिन मैं बोल रहा हूं ये डाटा आपको करने की जरूरत ही नहीं है, ये करने की जरूरत ही नहीं है, आप डायरेक्टली इसको एज्यूम किया करो। देखो यहां पे क्या लिखा है, −1/7 की कमी, इसका अर्थ है 7 में 1 की कमी, ठीक है, −1/7 कमी का अर्थ क्या है, 7 में 1 की कमी। आप मुझे बताओ तुलना किससे हुई है, 7 से, तो जिससे तुलना हो वो हमेशा नीचे आता है, 7 में 1 की कमी कर दी गई, तो 7 तो यूं कहें वो बेस नंबर है, नीचे आएगा, और 1 की कमी करने पे कितना बचा 6, वो आ जाएगा ऊपर, तो इजीली समझ सकते हो यहां से, लेकिन करना नहीं है, डायरेक्टली आपको यही करना है। अब ध्यान देना आप, ये जो 6/7 है ये एक्चुअल में है क्या, यही तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, आप ऊपर वाले में भी देख सकते हो, ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर आपके पास क्या है 1.2, ये भी तो है ना, एक ही तो बात है, ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर ही तो है भाई। मैंने यहाँ पे संख्या एक ले रखी है आपको समझाने के लिए, आसान से आसान मान, और संख्या एक है तो यहाँ पे ये आपके पास क्या है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर ही तो है, ये रिजल्ट जो है वो क्या है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर ही है। इसी क्वेश्चन को मैंने दूसरे तरीके से किया तो भी उत्तर तो 1.2 आया, लेकिन यहाँ पे आपके पास ये क्या मिला आपको, 6/5, तो ये 6/5 भी क्या है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर ही तो है, ये इंपॉर्टेंट डाटा है, यानी कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो है, गुणांक जो है वो भी आप दो तरीके से निकाल सकते हो। एक तरीका तो ये हो गया जिसपे पिछली 1 घंटे की क्लास आपकी चली है, ठीक है, वो मैं बार बार अब नहीं बता सकता, वो आप पीछे देख सकते हो, ठीक है, एक तो ये हो गया, ये तो कैसा है, डेसिमल वाला। एक तरीका ये और है, ये दूसरा है, इससे भी MF ही निकलेगा, गुणांक ही निकलेगा, लेकिन डायरेक्टली फ्रैक्शन में निकलेगा, ठीक है, आप चाहो तो इस डेसिमल को भी तो फ्रैक्शन में बदल सकते हो ना, इस डेसिमल को फ्रैक्शन में बदलोगे तो कितना 12/10 कैंसिल होगी 6/5 आएगा, लेकिन इसे टाइम लग जाएगा ना अपने को निकालने में, अपने को तो डायरेक्टली निकालना है, यहां पे कैसे निकालोगे, यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक रहेगा, पहले आप इसको फ्रैक्शन में बदल के करोगे तो ही आसान रहेगा। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर यहाँ पे आपका, आपके पास क्या आ गया, 6/7, क्लियर है, 6/7 ये आपका उत्तर आ जाएगा। तो सबसे बेस्ट प्रोसीजर जो है वो यहाँ पे आपका है मल्टीप्लाइंग फैक्टर का, ये रहा, ये क्या आपके पास मल्टीप्लाइंग फैक्टर ही तो है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर, और ये भी आपका किस फॉर्म में है, किस फॉर्म में है, फ्रैक्शन में, किस फॉर्म में है, फ्रैक्शन में। अब ध्यान देना, आप एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, मैंने एक क्वेश्चन लिया, मान लिया 120, एग्जाम्पल नंबर 3, एक संख्या ले ली 120 और 120 में मैंने वृद्धि कर दी 16 से ही 2/3% की। अब यहां पे डेसिमल फॉर्म में यदि आप गुणांक को रखते हो तो प्रॉब्लम आएगी, आप समझ सकते हो डेसिमल फॉर्म में आप यदि इसको कन्वर्ट करते हो इस प्रतिशत वृद्धि को तो काफी कैलकुलेटिव हो जाएगा इसकी तुलना में कि आप इससे कर रहे हो, एमएफ निकाल रहे हो लेकिन किसमें, फ्रैक्शन में ही,
ध्यान देना आप, 16 से ही 2/3 को आप क्या लिख सकते हो, 1/6, फ्रैक्शन में बदल के 1/6 लिख सकते हो ना। अब 1/6 ये तो क्या है, प्लस में, अब वहां पे एक था तब तो वो 1/6 ऐड हो गया, अब ऐसा नहीं करना कि 120 में 1/6 कर दिया और कर दिया, नहीं ऐसे गुणा नहीं होगा, ये 1/6 की वृद्धि हुई है, ध्यान देना 1/6 की वृद्धि हो गई। तो आप या तो ऐसा कर सकते हो कि भाई एक तो है पूरा 120 यों का यों, एक तो है 120 यों का यों और इसमें वृद्धि हुई है 1/6 की, तो 120 का 1/6 गुना इसमें और जोड़ दो, तो 120 का 1/6 और जोड़ दोगे तो कितना जुड़ जाएगा, 20 और जुड़ जाएगा ना, तो 120 तो पहले से था और 20 और जुड़ गया, 120 का 1/6 गुना और जुड़ गया, तो 120 और 20 कितना बनेगा, 140, तो ये आपका उत्तर आ जाएगा। या फिर दूसरा तरीका देखो आप, 120 यहां पर है, वृद्धि एज इट इज मैंने दी है आपको 16 से ही 2/3%, फ्रैक्शन क्या बनेगी इसकी, 1/6। अब ध्यान देना आप, 6 में 1 की वृद्धि हो गई, 6 में 1 की वृद्धि हो गई, तो आप मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकाल लें, गुणांक निकाल लें। यदि आपको कोई भी इस प्रकार फ्रैक्शन पता हो तो आप मल्टीप्लाइंग फैक्टर उसका निकाल सकते हो। कैसे, 6 में 1 की वृद्धि, 6 में यदि 1 की वृद्धि होती है तो 6 तो बेस नंबर है एज इट इज रहेगा, और 1 की वृद्धि होगी तो हो कितना गया, 7, ठीक है, या आप अलग से भी निकाल सकते हो, 1+1/6 करके भी वही बात है, यदि आप 1+1/6 करते हो तो भी 6 + 6 और 1 7/6 ही बनेगा, लेकिन शॉर्टली करो, बेस नंबर 6 यों का यों, वृद्धि कितने की हुई, 1 की, यानी कि इनका योगफल आप रख दो ऊपर। सिंपल सी बात है, जो भी फ्रैक्शन होगी उसमें जो नीचे वाला डाटा होगा वो तो रहेगा सेम, और यदि यहाँ पे प्लस है तब तो दोनों का योगफल ऊपर आएगा, और यहाँ पे माइनस है तो दोनों का अंतर ऊपर आएगा, बस इतना ही काम करना है, यानी ये डाटा हो जाएगा 7/6 होना। तो आप कह सकते हो 120 का मल्टीप्लाइंग फैक्टर यहाँ पे कितना है, 7/6 होना, तो ये लो 7/6, तो उत्तर कितना आ जाएगा, 140। ध्यान देना आप, यहाँ पे ये क्या था, इनिशियल नंबर था, और ये भी क्या है, इनिशियल नंबर है, और ये क्या है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, और आपको मैंने यही बताया है कि इनिशियल नंबर को यदि आप मल्टीप्लाइंग फैक्टर से गुणा करते हो तो आपको क्या मिल जाएगा, आपका फाइनल नंबर, और देख सकते हो फाइनल नंबर कितना आ रहा है, 140 आ रहा है, समझ रहे हो आप सभी, यानी आपको, आपके लिए ये तरीका बहुत ही कारगर है, आप इसको इसी तरीके से लगाएं जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। देखो मल्टीप्लाइंग फैक्टर यदि मान लिया यहाँ पे 10%, 5%, 20%, 50%, 40% ऐसे है, राउंड फिगर में है, तब तो आप इजीली बोल दोगे कि 100 करने पे ये आ जाएगा, ठीक है, डेसिमल में आप फिर आप इजीली बता पाओगे, लेकिन इसे फ्रैक्शंस में मान आ रहे हैं तो आप मल्टीप्लाइंग फैक्टर का यूज कैसे करोगे, एज ए फ्रैक्शन आपको करना होगा, इस प्रकार आप नहीं कर सकते। जैसे मान लिया कोई संख्या, एक और एग्जांपल देके मैं आपको बता रहा हूं, जैसे कोई संख्या ले लिए मैंने x, और मैं ये बोल दूं कि x में मैंने कमी कर दी 11 से ही 1/9% की, ध्यान देना 11 से 1/9% की कमी कर दी, बताओ वह संख्या कितनी हो जाएगी, आप मुझे बताएं, x क्या है आपके पास, x है इनिशियल नंबर, तो x तो मैं एज इट इज चलो लिख देता हूं, x तो मैं एज इट इज लिख देता हूं क्योंकि x है मेरा इनिशियल नंबर, लेकिन मैं x को यदि गुणा कर दूं मल्टीप्लाइंग फैक्टर से तो मुझे क्या मिल जाएगा, मेरा फाइनल नंबर मिल जाएगा ना। तो देखें आप, यहां पे आपको निकालना है मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आना चाहिए, 11 से 1/9 का मतलब क्या होता है, 1/9 होता है फ्रैक्शन में, तो आप निकालो मल्टीप्लाइंग फैक्टर, यानी कि गुणा किससे किया जाए, तो 9 में 1 की कमी होना, यानी 9 बेस नंबर एज इट इज रहेगा, 9 में कमी 1 की होगी तो कितना बचा, 8, या फिर सिंपल से शब्दों में कहूं तो नीचे वाली संख्या एज इट इज यों की आती है, ऊपर यदि माइनस का निशान है तो इन दोनों का अंतर आएगा, प्लस का निशान है तो इन दोनों का योगफल आएगा, देख सकते हो 6 यों का यों, प्लस का निशान था तो दोनों का योगफल ऊपर बना 7,
नीचे वाली संख्या नौ यो की यो माइनस का निशान है तो दोनों का अंतर कितना बना आठ। मीन्स माइनस ग्यारह से एक बटा नौ प्रतिशत का मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना है आठ बटा नौ, तो मैंने लिख दिया आठ बटा नौ। तो यही मेरा फाइनल नंबर है या फिर उत्तर बोल सकते हो आप। तो आपने देखा मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी अपन दो तरीके से इसका प्रयोग कर सकते हैं, एक तो डेसिमल फॉर्म में और एक फ्रैक्शन की फॉर्म में। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि कब आपको डेसिमल फॉर्म में इसका यूज करना है और कब फ्रैक्शनल फॉर्म में आपको इसका यूज करना है। देखो मैं एक बार लिख भी देता हूं एज ए नोट्स, इसका उपयोग आपको कब करना है ध्यान देना। इसका उपयोग आप कब कब करोगे, यदि आपके पास फ्रैक्शंस हैं, खास करके इस प्रकार की थोड़ी टिपिकल टाइप की फ्रैक्शंस यदि आपके पास है तो आप प्रतिशत चेंज, देखो आप जब प्रतिशत चेंज यानी कि प्रतिशत बदलाव राउंड फिगर की संख्याएं हो, राउंड फिगर की संख्याएं हो, की संख्याएं हो, तो आप गुणांक या फिर एमएफ का प्रयोग डेसिमल फॉर्म में लेना है, दशमलव रूप में करना है। ठीक है, जब प्रतिशत चेंज राउंड फिगर की संख्याएं हो तो एमएफ का प्रयोग दशमलव के रूप में आसान रहेगा। ठीक है, आप कर तो किसी से भी सकते हो लेकिन आसान रहेगा। ठीक है, राउंड फिगर संख्याएं कौन सी है, जैसे आपको कोई भी प्लस या माइनस 10% बोल दे, प्लस माइनस 15% भी राउंड फिगर में लेते हैं अपन, या प्लस माइनस 20%। ठीक है, राउंड फिगर भी बोल सकते हो या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि फ्रैक्शन में नहीं हो, जैसे इस प्रकार की संख्याएं होना, जैसे मान लिया प्लस माइनस 23% है तो भी काम करेगा, एज इट इज प्लस माइनस 13% है तो भी काम करेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो राउंड फिगर की जगह मैं थोड़ा और एग्जैक्ट वर्ड लिखना चाहूं तो ये भी बोल सकता हूं कि फ्रैक्शंस में नहीं हो, और जब भी फ्रैक्शंस में हो तो आप कौन से इसका एमएफ का यूज करोगे, फ्रैक्शन वाले का। ठीक है, तो जब भी प्रतिशत चेंज फ्रैक्शंस में दिया जाए तो एमएफ का प्रयोग एमएफ का प्रयोग किसमें करते हैं, फ्रैक्शन के रूप में करते हैं, फ्रैक्शन मीन्स भिन्न के रूप में आसान रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार आज का आपका पूरा लेक्चर मल्टीप्लाइंग फैक्टर पे ही डिपेंड था, और मल्टीप्लाइंग फैक्टर का अपन दो प्रकार से यूज कर सकते हैं, मोस्टली जब आपको कोई फ्रैक्शंस वगैरह नहीं गिवन हो तो डेसिमल फॉर्म में कर लें, और यदि आपको फ्रैक्शंस गिवन हो तो आप इसका यूज फ्रैक्शन के रूप में करें, डेसिमल फॉर्म में नहीं, फिर आप फ्रैक्शन के रूप में यूज करें। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों की इंपॉर्टेंस मैंने आपको समझाई है, कहीं पर कोई सा आसान होता है और कहीं पर कोई सा आसान होता है, और इनपे बेस्ड बहुत सारे एग्जाम्पल अपन करेंगे, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि एक जैसे ही करेंगे, नहीं, सब एग्जाम्पल्स में कुछ ना कुछ वेरिएशन आपका जरूर होगा, यानी कुछ ना कुछ चेंजमेंट आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो थ्योरी जिसने अच्छे से क्लियर कर ली ना परसेंटेज की, उसको क्वेश्चंस में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और आप यदि ये सोचते हो कि डायरेक्टली आप क्वेश्चंस से ही स्टार्ट करो
तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। यदि आप डायरेक्टली क्वेश्चन से स्टार्ट करते हो तो आपको आधे क्वेश्चन तो समझ में ही नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि मैं जो भी थ्योरी आपको करवा रहा हूं उसी थ्योरी पे बेस्ड आगे क्वेश्चन चलते जाएंगे। आप समझ सकते हो ये आपकी चौथी चौथा लेक्चर है, फोर्थ लेक्चर है, लगभग एक एक सवा सवा घंटे के आ रहे हैं, समथिंग 3.5 घंटे के लेक्चर तो पहले आ चुके हैं और 1.25 घंटे का ये है, और अभी तो और काफी थ्योरी के ही लेक्चर आएंगे, अभी तो और काफी थ्योरी के लेक्चर आएंगे। मीन्स ये मान के चलो आप 2-3 लेक्चर तो और बनेंगे अपने बिल्कुल ढंग से, वही 1.25 घंटे के समथिंग, 1 घंटे के समथिंग, जितना भी आपका टाइमिंग्स होगा। मीन्स ये काफी घंटे काफी आवर तो अपने थ्योरी में ही चले जाएंगे, लेकिन ये थ्योरी आपने यदि अच्छे से सीख ली ना, आपकी पकड़ बन गई, तो आप क्वेश्चन को फिर कुछ नहीं समझोगे, बहुत आसानी से कर लोगे। दूसरा बंदा क्वेश्चन पढ़ रहा होगा और आप उसका उत्तर निकाल चुके होगे, लेकिन इसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मेरे केवल ये बोलने से कि भी हाँ आप ऐसा ऐसा करोगे तो आपके साथ है ऐसा हो जाएगा, नहीं, मेरे केवल बोलने से नहीं होगा। मैं तो आपके साथ एफर्ट कर ही रहा हूं, जो बंदा मेहनत करेगा उसको फल मिलेगा। यानी जो मैं बता रहा हूं उस पे आप यदि इजीली फोकस कर रहे हो, आप उतना ध्यान दे रहे हो, मन लगा के पढ़ाई कर रहे हो, मैं ये बोल रहा हूँ कि ये करना आपको, तो वो यदि आप मन लगा के कर रहे हो तो कोई रोक नहीं सकता, 100% आप सब चीजें बहुत अच्छे से सीख जाओगे और इन क्वेश्चंस को तो आप बहुत आसानी से कर लोगे। लेकिन आप थ्योरी पे ध्यान दो, ठीक है? मैं थ्योरी पे इतना टाइम केवल और केवल इसीलिए लगा रहा हूं कि आप में इम्प्रूवमेंट आए, और इसको ये मत समझना कि मैं बिना थ्योरी काम चल जाएगा, बिना थ्योरी कुछ नहीं होना है। जब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो आप देखोगे कि क्वेश्चंस को आप बहुत ही कम समय में कर पाते हो, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट बहुत मजबूत बन गया है। यदि आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग अच्छी है तो फिर परसेंटेज में कुछ नहीं है। और एक बार ये आप कर लो, ये करने के बाद में पूरी अर्थमेटिक में आपको इसका बहुत जबरदस्त फायदा मिलेगा, क्योंकि देखो आप रेशियो का भी कोई टॉपिक देख सकते हो, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस देख सकते हो, उसमें भी आता ही है प्रतिशत लाभ, प्रतिशत हानि, SICI के अंदर भी आता है, इतने प्रतिशत रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इतने परसेंट बढ़ रही है, कम हो रही है, हर साल अलग अलग है। रेशियो में भी आ जाता है, पार्टनरशिप में भी आ जाता है कि उनको 10% लाभ हुआ है या 5% हिस्सा इसने निकाल लिया है, डाल लिया है। टाइम एंड वर्क में भी आ जाता है, इससे 20% अधिक कार्य क्षमता है, इससे 14 से 2/7% कम है, 16 से 2/3% इसके पास इससे आय अधिक है, कम है, अनुपात के टॉपिक में भी आता है। यानी कि ऐसा कोई टॉपिक है ही नहीं अर्थमेटिक में जिसमें परसेंटेज का यूज नहीं होता हो, कहीं ना कहीं फ्रैक्शंस का हो रहा है, कहीं पे एबी रूल का हो रहा है, कहीं पे सक्सेसिव का हो रहा है, यानी हर जगह पूरी अर्थमेटिक में इसके लॉजिक जरूर काम में आते हैं। तो यदि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से है तो आप ये थ्योरी केवल और केवल परसेंटेज के लिए ही नहीं कर रहे हो, ये थ्योरी आप पूरी मैथ्स के लिए अच्छे से कर रहे हो, पूरी अर्थमेटिक में काम में आएंगे, ठीक है? तो कमेंट किया करो आप वीडियो के ऊपर, जो आपको यदि जैसा लगा हो, अच्छा लगा हो, कैसा क्या लगा है। वैसे तो कोशिश की जा रही है कि आप सभी को अच्छा लगे, कमेंट किया करो सभी आप, और लाइक जरूर किया करो, और हो सके तो आप दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ठीक है? जो मेरा मेन मोटो वो यही है कि मैक्सिमम बंदे सीख पाए अच्छे से, ठीक है? मैं बहुत ही तसल्ली से, बहुत ही ढंग से, एकदम प्यार से, बिल्कुल धीरे 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 एकदम कॉन्सेप्ट आपका पूरा मजबूत करके चल रहा हूं। तो ये मत समझना चाहे कोई कितना इंटेलिजेंट बंदा हो, थ्योरी पूरी करनी है, मैंने जो करवाई है वो थ्योरी आपको पूरी करनी है, तभी आप क्वेश्चन अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है? थैंक यू।